नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल लुधियाना से आपके कुछ मिनट चाहूँगा बात करने के लिए कि बीमारी का सामना कैसे किया जाए। हाउ यू कैन कोप अप विद एन इलनेस। एक रूमेटोलॉजिस्ट के तौर पर मैं कई लंबी बीमारियों के मरीजों का इलाज करता हूँ, जैसे कि SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जोड़ों के दर्द, लंबे चलने वाले बुखार और कई लंबी उलझी हुई बीमारियाँ। मेरा ये मानना है कि जो बीमारी है वो सिर्फ आपके शरीर के ऊपर असर नहीं डालती, बल्कि बीमारी आपकी मनोस्थिति पर भी असर डालती है। वो आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। आजकल जीवन में बहुत तनाव है, हर किस्म के स्ट्रेस को हम सामना करते हैं, और इस दौरान अगर आपको पता चले कि आपको एक लंबी चलने वाली बीमारी है तो कई बार लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बिखर गई है। बीमारी सिर्फ शरीर के ऊपर नुकसान नहीं करती, इसके साथ कई किस्म की नेगेटिविटीज़ और कई किस्म के सवाल जुड़े होते हैं, जैसे कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा, बीमारी का खर्चा कितना करना पड़ेगा, ये आपके शरीर के ऊपर कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्या आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएंगे। और कई बार इन सारे सवालों के अंदर उलझकर मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और कई किस्म के डर मन में भर जाते हैं। बीमार पड़ना आपके अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बीमारी का सामना आप कैसे करेंगे वो ज़रूर आपके अपने हाथ में है। तो सोचकर देखते हैं कि जब बीमारी का पता लगता है तो मन में किस तरह के विचार आते हैं। सबसे पहला विचार जो आता है वो है डिनायल का, विश्वास ना कर पाना कि मुझे ये बीमारी लग जाती है। कई लोग कहते हैं कि मेरे तो पूरे खानदान में किसी को ये बीमारी नहीं थी, तो मुझे ये बीमारी किस तरह से हो गई। कई लोग कहते हैं कि मैं दिखाने ही नहीं जाऊँगा डॉक्टर के पास, टेस्ट करवाएंगे और टेस्ट के अंदर पता नहीं क्या निकल जाएगा। और कई लोग तो कहते हैं कि हम तो बहुत बहादुर हैं, हमें किसी टेस्ट को कराने की ज़रूरत ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सबके पीछे जो छुपा होता है वो है एक डर, क्योंकि हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। पर आप सोच कर देखें, क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे या अपनी बीमारी से भागने की कोशिश करेंगे तो क्या आपकी बीमारी चली जाएगी? या जो आपके शरीर के अंदर नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान को रोका जा सकता है? तो डिनाय करना या बीमारी से भागना एक सही तरीका नहीं है। एक और रिएक्शन होता है गुस्से का, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। कई लोग गुस्सा करते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए, कई लोग ज़िम्मेदार ठहराते हैं अपने परिवार के लोगों को कि इनकी वजह से मुझे ये बीमारी हो गई, और कई लोग तो भगवान को ही ठहराते हैं ज़िम्मेदार कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो गुस्सा है वो भी आपके अपने अंदर की ताकत को कम कर देता है। जिस वक्त आप बीमार हैं आपको अपनी अंदरूनी शक्ति की ज़रूरत है उस बीमारी का सामना करने के लिए, और अगर आप गुस्से के अंदर ही अपनी सारी ताकत को ख़त्म कर देंगे तो आप बीमारी का सामना कैसे कर पाएंगे? आपके बीमार पड़ने में ना तो भगवान का हाथ है और ना ही आपके किसी रिश्तेदार का हाथ है। जो बीमारी होनी थी वो तो हो गई, अब आपको ज़रूरत है आपके आसपास के लोगों के सहयोग की, और महसूस करें कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो ना सिर्फ आप परेशान होते हैं बल्कि आपके परिवार के लोग भी परेशान होते हैं, और इस वक्त आपको उन सब के साथ की ज़रूरत है। तो बजाय गुस्सा करने के आपको चाहिए कि अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करें, ताकि आपकी इस मुश्किल की घड़ी में वो आपके भागीदार बने, वो आपको सहयोग दें। एक और जो रिएक्शन काफ़ी कॉमनली होता है बीमारी के आने के ऊपर वो होता है डर, एक इनसिक्योरिटी कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। और इस समय इस रिएक्शन के साथ हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है। हम डरते हैं कल को कहीं मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, कल को मुझे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। कई लोग तो इंटरनेट के ऊपर भी चेक करते हैं कि इस बीमारी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो दवा मुझे लिखी गई है उस दवा के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मेरा यह मानना है कि बीमारी से कहीं ज़्यादा जो बीमारी का डर है वो इन मरीजों को परेशान करता है। वो ये महसूस ही नहीं कर पाते कि बीमारी का किस तरह से सामना किया जा सकता है, साइंस ने कितनी तरक्की की है इन बीमारियों के इलाज के लिए, और वो हर वक्त डरते रहते हैं कल मेरे साथ ये ना हो जाए। पर सोच कर देखें, जो आपके हाथ में वो तो सिर्फ अभी और इसी वक्त का समय है, तो अभी इस वक्त में जो करना है वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि हमारी मनोस्थिति हमारी बीमारी के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है और आपके पूरे जीवन के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालती है। तो इस चीज़ का सामना किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़, स्वीकार करें कि आपको एक बीमारी है। जैसे मैंने पहले कहा, बीमार पड़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बीमारी का सामना करना आपके हाथ में है। और अगर आपने बीमारी का सामना करना है तो पहले इसके लिए स्वीकार कर लें कि आप बीमार हैं और आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिसको कि बीमारी हुई है। आज अगर आप अपने आसपास देख के देखें तो बहुत से लोग हैं जिनको कई किस्म की बीमारियां होती हैं, शुगर,
अस्थमा, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ब्लड प्रेशर, गठिया, कई किस्म की बीमारियां हैं। कुछ समय पहले एक अंदाज़ा लगाया गया था कि 50 साल की उम्र के बाद लगभग 90% लोग कोई ना कोई दवाई लेते हैं, और दवा लेना कुछ गलत नहीं है, अपना इलाज करना भी गलत नहीं है। जो दवाई बनी है वो आपकी मदद के लिए ही बनी है। दवाई को डेवलप करने के लिए कई साइंटिस्ट ने और कई डॉक्टरों ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगाई है ताकि आपकी ज़िंदगी को और आपके इलाज को बेहतर बनाया जा सके। हम बात नहीं करेंगे कि एक दवाई को डेवलप करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का खर्चा होता है, पर आप सोच कर देखें कितने हज़ारों घंटे लगते हैं एक इलाज को ढूंढने के लिए ताकि कुछ मरीजों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के एक कोने में एक साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च करता है और उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर बैठ कर होता है। तो दवा को अपना दुश्मन ना समझें, मन में यह सवाल ना लेकर आएँ कि मुझे दवा क्यों लेनी पड़ती है, बल्कि यह सोचें कि बीमार पड़ना था, बीमार हो गया, अब मैं कैसे इसका इलाज करूं, वो मेरे हाथ में है। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लें। हम अपनी ज़िंदगी में कई किस्म की परेशानियों का सामना करते हैं, बीमारी भी उन परेशानियों में से एक है। आपने भी अपनी ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना किया होगा। अगर हम छोटे होने से देखें तो एक छोटा बच्चा चल नहीं पाता, खड़े होना और खुद से चल पाना उसके लिए एक चुनौती है, उसके लिए एक परेशानी है। वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन आखिर एक दिन वो चल पाता है और अपनी ना चल पाने की परेशानी से वो ऊपर उठता है। स्कूल में पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई करना, अपने बिजनेस को कामयाब करना, इस तरह के कई किस्म के सवाल हैं जो ज़िंदगी हमसे पूछती है, और आपने इस तरह के कई सवालों का जवाब दिया होगा। बीमारी भी उस तरह का एक सवाल है, और उसको इसी एक सवाल की तरह से लें कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की और परेशानियों का सामना किया, मैं अपनी बीमारी का सामना भी कर सकता हूँ। और इस चीज़ की शक्ति आपके अंदर है, आपको सिर्फ अपनी उस शक्ति को याद करने की ज़रूरत है और अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि कौन बड़ा है, कि आपकी बीमारी बड़ी है या आप सबसे बड़े हैं, कि आपकी बीमारी आपको डोमिनेट करेगी या मैं डोमिनेट करूँगा अपनी बीमारी को, कि आपका जीवन रुक जाएगा इस बीमारी की वजह से या आप अपनी ज़िंदगी में वापस आगे बढ़ेंगे। अगर हम सोच कर देखें कि बीमारी क्यों आती है या हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आती हैं, तो ये परेशानियाँ आती हैं हमें ज़िंदगी का कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए। कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी से, कहीं ना कहीं हमें वो मौका देती हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ दोबारा से देखने का और अपने जीवन को और बेहतर बनाने का। आप ज़रूर अपनी बीमारी से सीख सकते हैं कि अगर मुझे ये बीमारी है तो आगे के जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या शिक्षा लेने की ज़रूरत है अपनी इस बीमारी से, कैसे मैं अपना जीवन बेहतर बना सकता हूँ और कैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकता हूँ और मरीज़ों के लिए ताकि उनको भी हौसला मिले। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगा। फिलिप सदरलैंड नाम के एक एथलीट हैं अमेरिका में, उन्हें आज से कई साल पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी जब वो बचपन में थे, और उस वक्त डायबिटीज़ का इतना अच्छा इलाज नहीं था। जिस डॉक्टर ने उनको डायबिटीज़ डायग्नोज किया उसने कहा कि इस बच्चे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनके गुर्दे, आंखें और नसें डैमेज हो जाएंगी और ये शायद एक लंबा जीवन नहीं जी पाएंगे। उस समय फिलिप सदरलैंड के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो बिल्कुल निराश हो जाते और मान लेते कि अब मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, या अपनी बीमारी का डट के सामना करते। उन्होंने दूसरी ऑप्शन को लिया, उन्होंने अपनी बीमारी का डट के सामना किया। वो अपना इलाज कराते रहे, लेकिन जो भी अपने जीवन में करना चाहते थे उन्होंने वो भी किया, और वो एक चैम्पियन एथलीट बने। वो अमेरिका के साइक्लिस्ट में से नंबर वन के साइक्लिस्ट में गिने जाते हैं। उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, फ्रॉम डायग्नोसिस टू डोमिनेंस, कि मैंने अपनी बीमारी को डोमिनेट नहीं करने दिया बल्कि मैंने खुद अपनी बीमारी को डोमिनेट किया है और अपने जीवन को अपनी टर्म्स पे जिया है। तो आपको भी अपने अंदर की वो शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो शक्ति है, अगर परमात्मा ने आपको इंसान का जीवन दिया है जो कि सबसे श्रेष्ठ जीवन माना जाता है, तो उसने आपको यह शक्ति भी दी है कि आप अपनी इस बीमारी का डट के सामना करें। बस आपको अपने अंदर की उस ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, युवराज सिंह। उनको छाती का कैंसर डायग्नोज किया गया था। आमतौर पर जब कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है तो इंसान और इंसान के परिवार के लोग सब बिल्कुल टूट जाते हैं, पर युवराज सिंह ने ऐसा अपने साथ नहीं होने दिया। जैसे ही उनको पता लगा कि उनको कैंसर है, उन्होंने अपने कैंसर का पूरा इलाज कराया, और जैसे ही इलाज पूरा हुआ उन्होंने फिर से क्रिकेट खेलना शुरू किया, और इसकी वजह से वो आज फिर से भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। वसीम अकरम को भी डायबिटीज़ है। जिस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के अंदर वसीम अकरम की शुगर लेवल इतना कम हो गया था कि मैच के दौरान उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा और उनका इलाज करना पड़ा।
वो अस्पताल गए, अपना इलाज करा के वो वापस मैदान में आए और खेले और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता। तो ये शक्ति आपके अंदर भी है। इस बीमारी को अपने आप को कमज़ोर ना बनाने दें, बल्कि डट के सामना करें अपनी इस बीमारी का। कहा जाता है कि हौसले का पता तब चलता है जब चीज़ें उस हिसाब से नहीं जाती जैसा कि आपने सोचा है। बीमार पड़ना भी आपने नहीं सोचा, लेकिन इस बीमारी के अंदर पता लगेगा कि आपके अंदर कितना हौसला है। हौसला आपके अंदर है, आप खुद के हौसले को, खुद की ताकत को कितना पहचान पाते हैं। बीमारी आपके आगे ये सवाल डालती है, और अगर आप डट के सामना करें तो आप जीत सकते हैं। गौतम बुद्ध की कुछ लाइनों से मैं अपनी बातचीत खत्म करना चाहूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर आपके तीर लगा हो तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यह तीर किसने चलाया, यह तीर लकड़ी का बना है या लोहे का बना है, यह तीर कितना पहना था, यह तीर कहाँ तक गया है। अगर तीर लगा है तो सिर्फ उस तीर को निकालने का और उस घाव का इलाज करें, इसके अलावा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो आप अपनी शक्ति को कम कर देंगे। तो अगर बीमारी का पता लगा है तो स्वीकार करें कि आपको ये बीमारी है, फिर सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। बीमारी जब होती है तो उसके अंदर एक सवाल और उठता है कि हम किस किस्म का इलाज करें। और कई लोग कई किस्म के चमत्कार में भी विश्वास करते हैं और इस वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो कई किस्म के साधु, तांत्रिक, झोला छाप, इस तरह के लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जब भी बीमारी हो तो एक रैशनल और प्रैक्टिकल तरीके से सोच कर देखें कि आप कौन सा इलाज करेंगे। एक गलत धारणा है सोसाइटी के अंदर कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। हमने बात की कि अगर बीमारी का पता लगता है तो बीमारी को स्वीकार करें। अब इसके आगे सवाल उठता है कि जब हमने बीमारी को स्वीकार कर लिया तो इस बीमारी का इलाज किस तरीके से किया जाए। हमारे देश में लोग चमत्कार में अक्सर विश्वास करते हैं। सारा साल पढ़ाई नहीं की, साल के आखिर में उम्मीद करेंगे कि मंदिर में घंटी बजाएंगे और जो 10 सवाल पढ़े हैं वही 10 सवाल एग्ज़ाम में आएंगे और हम टॉप कर जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। कामयाबी के लिए एक लगातार निरंतर कोशिश की ज़रूरत होती है, और कोशिश एक साइंटिफिक तरीके से, तभी कामयाबी मिल सकती है। चमत्कार हर गली के कोने पर नहीं होते। जो चीज़ कामयाब है वो चीज़ तरक्की करती है। सोचकर देखें कि कौन सा ऐसा इलाज का तरीका है जो आज तक तरक्की पे है, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि सारे विश्व में। सारी दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें, किसी भी शहर में देख लें, जो अस्पताल सबसे कामयाब होगा वो एलोपैथिक अस्पताल होगा। और वो अस्पताल कामयाब क्यों है? क्योंकि इस तरीके के इलाज से मरीज़ों को फ़ायदा होता है, तभी वो अस्पताल कामयाब है। अगर बाकी सारे चमत्कार के ऊपर बेस्ड इलाज या अनसाइंटिफिक इलाज के सिस्टम कामयाब होते तो वो इलाज भी तरक्की कर जाते। आज तक उन्होंने तरक्की क्यों नहीं की? एक और गलत धारणा लोगों के मन में बिठाई जाती है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि गलत है। एलोपैथिक दवाइयाँ सबसे सेफ और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। और ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक प्रमाण है। जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर बकायदा एक साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। सबसे पहले मरीजों के ब्लड सैंपल्स पर रिसर्च होती है, फिर एनिमल मॉडल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है। जिस दवा के लिए पाया जाता है कि यह दवा कामयाब रहेगी और इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, फिर उस दवा के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, वो भी 4 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। और जब दवा इन सभी स्टेजेस के एक्सपेरिमेंट्स को पास करती है, सिर्फ तब वो दवा मरीजों को दी जा सकती है। हर एलोपैथिक दवा के लिए साबित करना पड़ता है कि उसका फ़ायदा कहीं ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट का रिस्क कहीं कम है। साइड इफ़ेक्ट का रिस्क अगर आप प्रैक्टिकली सोच कर देखें तो हर चीज़ से है। साइड इफ़ेक्ट का रिस्क नमक से भी है, चीनी से भी है, घी से भी है। इन तीन चीज़ों के बगैर आपका खाना नहीं बन सकता। तो अगर ये तीन चीज़ें भी आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं तो ऐसी दवा कैसे संभव है जिसके साथ साइड इफ़ेक्ट का रिस्क ना हो? कई किस्म के अनसाइंटिफिक इलाज इवन टीवी के ऊपर प्रमोट किए जाते हैं, ये कह के कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इलाज नेचुरोपैथी का, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये इलाज इस पद्धति का है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें से एक पद्धति के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, वो है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदा की एक मोस्ट रिस्पेक्टेड बुक है चरक संहिता। चरक संहिता का अगर आप पहला चैप्टर पढ़ के देखें तो उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जो चिकित्सक है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और दवाई के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि दवा साइड इफ़ेक्ट कर सकती है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी साइड इफ़ेक्ट कर सकती हैं।
पर क्योंकि उन दवाइयों के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, इसलिए हम नहीं जानते कि उन दवाइयों का क्या फ़ायदा है, क्या साइड इफेक्ट है। तो जब रिसर्च ही नहीं की जा सकती, की गई, तो कैसे क्लेम किया जा सकता है कि उन दवाइयों का फ़ायदा ज़्यादा है या साइड इफेक्ट नहीं है। पर क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर रिसर्च की गई है, इन दवाइयों के लिए साबित किया गया कि ये दवाइयाँ सेफ़ हैं, ये दवाइयाँ इफेक्टिव हैं, इन दवाइयों के साथ क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पर वो साइड इफेक्ट ज़्यादातर मरीजों में होते नहीं हैं। एक रिस्क होता है और उन रिस्क को क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं वो अच्छे से मॉनिटर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी जो दवा लेनी है वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर लें, उसकी निगरानी में लें और समय समय पर अपनी जाँच कराते रहें। सीक्रेट किताब में महात्मा गौतम बुद्ध ने और महात्मा गांधी ने कहा था, आपको वही मिलता है जो आप चाहते हैं। अगर आप दवा लेने से पहले सोचते हैं कि मुझे साइड इफेक्ट होगा, तो यकीनन आपको साइड इफेक्ट होगा। इस चीज़ को कहा जाता है नॉसिबो इफेक्ट। जब भी वैज्ञानिक शोध किया जाता है तो एक दवा को कंपेयर किया जाता है प्लेसिबो के साथ। प्लेसिबो होता है कि जैसे सिंपल पानी का कैप्सूल जिसके अंदर कोई दवा नहीं होती, और यह पाया गया है कि 5 से 10% मरीज जिनको सिर्फ पानी का कैप्सूल दिया जाता है उनके अंदर भी साइड इफेक्ट होता है। अब वो साइड इफेक्ट कैसे आता है? वो साइड इफेक्ट ऐसे आता है क्योंकि मरीज के मन में डर होता है कि मुझे ये दवा साइड इफेक्ट करेगी। और इसका उल्टा भी सच है, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जिन मरीजों को पूरा विश्वास होता है कि ये दवा मेरे को फ़ायदा करेगी, उसके अंदर प्लेसिबो भी काम कर जाता है, पानी का कैप्सूल भी काम कर जाता है। और 20 से 30% मरीज जिनके अंदर पहली कोई दवा काम नहीं कर रही थी, उनके अंदर प्लेसिबो काम कर जाता है और मरीज को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपना इलाज कराएं, यह सोचकर अपना इलाज कराएं कि यह दवा मेरी मदद के लिए बनी है और यह दवा मेरे को फ़ायदा करेगी। एक मिनट के लिए सोचकर देखें एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही दवाइयाँ हैं, वो दुनिया का स्वरूप किस तरह का होगा? इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी? जो आदमी बीमार पड़ गया है उसका जीवन कैसा होगा? कहीं ना कहीं ये ख्याल डराने वाला है कि आपके शहर में कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है और कोई दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। क्या इस तरह का संसार आपको स्वीकार है? अगर इस तरह का संसार आपको स्वीकार नहीं है तो आप अपनी दवाइयाँ लेने से क्यों कतराते हैं? आप अपने डॉक्टर की मदद लेने से क्यों कतराते हैं? सोचकर देखें एक दवा को ढूंढने के लिए कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी है। अगर एक एलोपैथिक दवा मार्केट में आती है और मरीजों को दी जाती है तो उससे पहले कम से कम 1000 ऐसी दवाइयां हैं जिनको रिजेक्ट किया जाता है। और रिजेक्ट इसलिए होती हैं कि यह पाया जाता है उस दवा का फ़ायदा नहीं है, या ये पाया जाता है कि इस दवा के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर आपको दवा दी जाती है तो उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लें और ये सोच कर लें कि ये दवा जो बनी है वो आपकी मदद के लिए बनी है, वो आपके अच्छे जीवन के लिए बनी है। एक और बीमारी के अंदर परेशानी आती है, वो है कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, वो आपको आके तरह तरह की सलाह देंगे। और सलाह देना हमारा नेशनल कैरेक्टर है, हम हर चीज़ के अंदर सलाह देते हैं। जैसे अगर आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा हो तो लोग घर में बैठ के भारतीय कप्तान को सलाह देते हैं। जिस इंसान ने कभी क्रिकेट की गेंद नहीं पकड़ी होती वो भी सलाह देता है भारतीय कप्तान को कि इस बॉलर से बॉलिंग कराओ, इस बैट्समैन को खिलाओ, इस खिलाड़ी को बाहर निकालो, इस खिलाड़ी को खिलाओ। लोगों को लगता है कि हम घर बैठे बैठे जो विश्व के महानतम खिलाड़ियों में से एक है उससे बेहतर क्रिकेटर है। तो लोग अगर उसको सलाह दे सकते हैं तो आपकी बीमारी में तो आपको सलाह देंगे। तो सलाह हर कोई देगा, आपकी समझदारी इस चीज़ में है कि आप किसकी सलाह मानेंगे। क्या आप सलाह उस इंसान की मानेंगे जिसके पास ट्रेनिंग है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जो कई सालों से मरीजों का इलाज कर रहा है, या आप उस इंसान की सलाह मानेंगे जिसने कभी मेडिकल कॉलेज तक की शक्ल नहीं देखी और अपनी जान को जोखिम में डालेंगे? ये फैसला आपका है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ना तो अपनी बीमारी से डरें, ना ही अपनी बीमारी से भागने की कोशिश करें। जो भी आपकी बीमारी के लिए ज़रूरी इलाज है वो इलाज करें, और इलाज करते वक्त एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, एक साइंटिफिक अप्रोच रखें। जहाँ से भी इलाज कराएं सबसे पहले देखें कि उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो इंसान कैपेबल है आपको सलाह देने के लिए, क्या आप वाकई उसकी सलाह मानना चाहेंगे, और फिर एक प्रॉपर और बैलेंस डिसीजन लें। मैं दुआ करता हूँ कि आप एक तंदुरुस्त जीवन जिए,
मैं ये दुआ नहीं करूँगा कि आपके जीवन में परेशानियाँ ना आए, मैं ये दुआ करूँगा कि जो भी परेशानी आपके जीवन में आए आप उसके ऊपर उठें, उससे ज़्यादा ताकतवर बने और एक बेहतर इंसान बने। मैं ये दुआ नहीं करूँगा कि ज़िंदगी आपसे कोई सवाल ना पूछे, पर मैं ये दुआ करूँगा कि आप उन सवालों से भागें मत, बल्कि उन सवालों का डटकर सामना करें। मैं ये दुआ नहीं करूँगा कि चमत्कार हो, क्योंकि चमत्कार नहीं होते, पर मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें और निरंतर प्रयास से अपने जीवन को बेहतर बनाएं।